एक फोटो क्लिक कर। तो ये आपके बिल्डिंग के गणपति है? तो ये इधर गणपति पप्पा को ठाकुरपाड़ा में बिठा के 35 इयर्स हुए कम्प्लीट। 35 इयर्स कम्प्लीट हुआ। सवाल कम्प्लीट। और कान का पूछना है, गणपति पापा के कान में जो विश मांगते हैं? हाँ, जो कान में विश मांगते हैं वो भी मांग सकते हैं। वो टाइम पे विश मांगते हैं। ठाकुरपाड़ा और पुलिस चौकी के बीच में पुलिस चौकी की तरफ पहुंच चुके हैं। गणपति पप्पा है यहाँ पे, देखे तो डेकोरेशन का मस्त डेकोरेशन किया हुआ है। तो इधर भी मैं प्रे करूंगा गणपति पप्पा से अपने लिए और सब लोग के लिए, आप लोग के लिए भी। और इधर हम जो कर गए वो प्रसाद करेंगे गणपति पप्पा को। हाँ, टीका लगाएंगे। So cute. तो मैंने विश भी मांगी है आप लोग के लिए और सब लोग के लिए। और विश क्या मांगा वो किसको पता ही नहीं जाती, तो पूरी नहीं होती है। तो यहाँ का थीम क्या है पूछो अंकल को। अंकल विश भी है और जो एक अंकल बैठे गाड़ियाचे गणपति, बहुत खूबसूरत सजावट है। थोड़ा फोटो खींचेंगे और फिर आगे की तरफ जाएंगे। मैं सुना हूँ ऐसे मूवी में और हाँ। देखा हूँ कि विश मांगते हैं और किसी का बजाते हैं। अरे तुम्हाला सणबण आवडतं पण आम्हाला आमच्या बापाचं आगमन आवडतं। गणपति बप्पा के डेकोरेशन का मीन्स आइडिया क्या है? जैसे कि किसी का अयोध्या होता है, किसी का पर्वत होता है, किसी का नॉर्मल डेकोरेशन होता है। वो मामा ने ना मतलब नॉर्मली सिंपल किए ताकि सिंपल अच्छा लगेगा ना, तो इसीलिए सिंपल। और गणपति के पप्पा के पीछे जो बना है ना पप्पा है, शंकर भगवान है।
अच्छा, मतलब आपका थीम वो था कि शंकर भगवान को रखे उनके पीछे और उनको लोटस के ऊपर बिठाए, लोटस फूल के ऊपर, और पीछे उनके डैडी शंकर भगवान को रखे। चलो जाते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, शंकर मूर्ति मोरिया, अगले बरस तू चलिया। अभी हम लोग वेट करेंगे गणपति बप्पा का नेक्स्ट ईयर के लिए। आज तो हम लोग ब्लॉग बना रहे, पर हमको पता है कि सारे गणपति बप्पा का विसर्जन हो जाएगा, तो हम लोग को दुखी भी है, पर हम लोग अगले बरस के लिए वेट भी करेंगे गणपति बप्पा के। गणपति बप्पा जल्दी से जल्दी वापस आए, हमारे सबके घर पे और सबके दिलों में तो है ही हमेशा। पर ये जो हम लोग सब लोग करते हैं, तो उससे हम लोग को बहुत खुशी मिलती है। हम लोग को ऐसा लगता है कि हमारा कोई है जिसके पास आके हम लोग अपनी सारी कंप्लेन कर सकते हैं, प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, और हमें गणपति पप्पा से हमारी सारी प्रॉब्लम का सलूशन भी मिलता है। तो हम लोग गणपति पप्पा का वेट करेंगे। और आप लोगों को एक खूबसूरत डेकोरेशन कैसा लगा हमें आप लोग कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं। चलो अभी टाइम में जाओ। गणपति बप्पा को बिठाए, पर वो दीदी ने बोले कि लोटस है, पर कोई बात नहीं, दोनों फूली और बहुत खूबसूरत लग रहा है पूरा डेकोरेशन। और एक बात, हमको यहाँ पे एक बच्चा मिला जो हमारा सब्सक्राइबर है, दिखाओ उनको। ये हमारे सब्सक्राइबर है। आपका नाम क्या है? रिजवान। और आप क्या दिखा रहे थे मुझे फोन में अभी? ये आपका सब्सक्राइब। अच्छा, आपने हमें सब्सक्राइब करके रखो। वीडियो देखते हो? हाँ देखता हूँ। कैसी लगती है? अच्छी लगती है। पक्का? ये खाली वीडियो में बोले हो? नहीं, सब्सक्राइब इसलिए तो कर रखा। अच्छा अच्छा, तो इन्होंने हमको ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखे, ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर है। हम लोग इधर ब्लॉग बनाने के लिए, गणपति पापा के दर्शन करने के लिए आए थे, तो हमको ये मिल गए। थैंक यू, बाय। चलो अभी हम लोग जाते हैं। चलो सामान तो ले लो। सामान ले लो, अभी कभी छोड़ेंगे। अभी ये रात प्रसाद हमें प्रसाद दिए भाई ने गणपति पापा के, गणपति के पापा को चढ़ा के देते ना ये। चलो हम जाते हैं। थैंक यू गणपति पापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। चलो थैंक यू गाइस, बाय। थैंक यू। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत अच्छा डेकोरेशन किए हैं। तो हम लोग आंटी से पूछेंगे, जो हमारा कॉमन सवाल है कि ये डेकोरेशन के पीछे कोई रीजन है, जैसे कि अयोध्या या फिर उनके फादर से रिलेटेड या उनके फ्रेंड से रिलेटेड, ऐसा कुछ? नॉर्मल डेकोरेशन कोई रीजन नहीं है, नॉर्मल डेकोरेशन। तो भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, इतना इन्होंने पूरा आंटी और उनकी फैमिली ने सब कुछ घर में बनाया है, पूरा हाथों से डेकोरेशन किए। इसी से पता चलता है कि हम लोग पप्पा से कितना प्यार करते हैं, क्योंकि हम लोग इतना खुद से डेकोरेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, इतने दिन तक हमारे घर में रखते हैं, फिर विदा करने का टाइम होता है तो बहुत दुख भी होता है, पर ये सब करके हम लोग को बहुत खुशी मिलती है। और हम लोग इधर आए थे गणपति पप्पा को मिलने के लिए, तो आंटी ने हमें बुलाए, थैंक यू। तो हम लोग को अवे गणपति पप्पा से मिलने का मौका मिला, वो भी इतनी अच्छी फैमिली है, से प्यार से गणपति पप्पा को रखे आप लोग ने, गणपति पप्पा के दर्शन करने का मौका मिला, आंटी ने हम लोग को बुलाया। अभी तो बोलो कोई गणपति पप्पा।
मोरिया मोरिया जय। अभी हम लोग प्रसाद लेंगे। अच्छा पप्पा को चढ़ाने के लिए खिलाए। अभी मैं इसमें से चख लूंगा, मैं बहुत खाया मोदक इसके लिए। मैं इसमें थोड़ा चख लूंगा, मेरे ना पेट भर गया है। उधर उधर मोदक खाया, उधर न्यास खाया, ये सब हमने घर में बनाया। समझ में आया क्या? पानी लगा हुआ है ना, बोलिए था पैर में, पैर में। हाँ लो लो। आपकी भी अच्छी बड़ी फैमिली है। चलो अभी सब फैमिली के साथ मचाओ फैमिली जुड़ के फोटो खींचेंगे। देखो मैं फोटो खींच। मोविया मोविया ओके मोविया ओके गाइस बाय बाय। चलो बाय बाय। साई बाबा है और बाजू में गणपति पप्पा है, जिधर बिठाया हुआ है मंडप है। चलो हम उधर जाते हैं, साई बाबा को हमने कर दिए नमस्ते। इधर टीवी भी है जो देखिए, टीवी भी देख सकते हैं आराम से बैठ के। और इधर गणपति पप्पा जी भी है जिसके आप लोग देख सकते हो डेकोरेशन। और हम किसको पूछेंगे कि ये क्या इनसे बनाया हुआ है, मतलब इसके पीछे इनसे बनाने का। मुझे देखने से ऐसा लग रहा है कि एक जो नाग देवता वाले भगवान है उनका गणपति जी के ऊपर एक मुकुट टाइप कुछ है, और पीछे कुछ बर्फीला टाइप पहाड़ है। जैसा वहाँ पे हिमालय पर्वत था वैसा ही यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ऐसा ही कुछ थीम है। अगर मैं सही हूँ तो कमेंट्स में बताना। आ जाओ सब लोग आ जाओ। आप लोग मेरे को बता सकते हो कैमरा से नजदीक का आवाज़ कैसी है? अरे हाँ गणपति पप्पा के साथ हम अच्छा डेकोरेशन मतलब क्या किया हुआ है, नाग है जैसे बर्फीला पहाड़ है, कुछ रिलेटेड कुछ मीन्स इसका रीजन क्या है ये डेकोरेशन करने का? कैमरे की आवाज है, कलर्स का है और सजावट की ये नाग का उसका क्या है? अच्छा जैसे कि शंकर जी गणपति जी के फादर है तो इसके लिए उनको नाग देवता वाला मुकुट पहना है। तो जैसे बता चुके हो, थोड़ा मेरी सिस्टर ने भी बताई तो जितना समझ में आता उन्होंने बता चुके आप लोग को कहना है। बाकी आप लोग को भी क्या क्या समझ में आया और तो उसके हिसाब से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और आपको कौन सा बेस्ट गणपति पप्पा लगा वो भी बताना। अभी तक तो हम लोग पुलिस चौकी पे ही पहुंचे। गणपति पप्पा तो सारे ही बेस्ट है, आपको डेकोरेशन कौन सा बेस्ट लगा ये आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना। और सारे डेकोरेशन के पीछे का रीजन आप लोगों को क्या लग रहा है वो भी आप लोग डिटेल में कमेंट्स में जरूर बताना। तो अभी हम लोग प्रे करते हैं और फिर इधर से आगे बढ़ते हैं, और आप लोग भी प्रे करें।
सब लोग सर पे क्यों लगाते हैं? लगाने के बाद तुझे मंगना चाहिए पहले या बाद में? लगाने के बाद उसने ऐसा किया, लाइफ पहले लास्ट में करना चाहिए। तो अभी बस हो गया, इतना ही है, तो और कुछ भी करना है? तो अभी हम लोग थोड़ा फोटो खींचते हैं, फिर आगे गणपति पापा की तरफ और पहुंचते हैं और आगे टोलियों ने गणपति पापा आपको लोग को दिखाएंगे। चलो, अच्छा प्रसाद तो मिला ही नहीं इधर। हाँ बस थोड़ा देखो, और ये गणपति पापा का कलर ब्लूइश क्यों है, इसका कुछ रीजन है? शंकर भगवान का कलर भी ब्लू दिखाया था, तो इनका भी कलर ब्लू ही दिखाया गया है। मच्छी फोन के ऊपर बैठ गई, वही तो, वो भी देख रही है। क्या आईडी है? मजाओ फैमिली।